सोनभद्र के उबरा थाना इलाके में एक कंपनी में कार्य कर रहे मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद मजदूरों में काफी आक्रोश देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में मजदूर रात में उबरा थाने में इकट्ठा हो गए। हालांकि मौके पर पहुंचे सीओ ने मजदूरों को समझा बुझाकर और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया, जिससे मजदूर वापस हो गए और पुलिस ने आनंद फानंद में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सोनभद्र के उबरा थाना इलाके में उबरा सीतापी परियोजना का निर्माण कार्य कर रही दुसान कोरियाई कंपनी में रात में मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे मजदूरों में काफी आक्रोश देखने को मिला। मजदूर की पहचान सागर नाथ पुत्र रविंदर नाथ निवासी मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के रहने वाले के रूप में हुई है। हालांकि मौके पर पहुंचे सीओ कृष्ण गोपाल सिंह ने दोषियों के ऊपर सख्त कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया। सर, क्या मामला था? ये मजदूर के मौत की खबर आ रही है, कुछ मजदूरों का थाने पर घेराव भी देखा गया। जी देखिए, आज ओबरा क्षेत्र में एक मजदूर का नाम सागर नाथ है, साना प्रवीण नाथ, जो मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं, उनको उनके प्रोजेक्ट मैनेजर ले आए हुए थे, यहाँ पे रखे हुए थे, और वो दुसान कंपनी में जो हमारा ओबरा सी प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें वो लेबर के पद से तैनात था, काम करता था। और आज जरिए दूरभाष पता चला कि वो व्यक्ति जो है सेक्टर 10 में जो रहता था लेबर, सुसाइड कर लिया था। तो तत्काल पुलिस मेरी मौके पर गई और शव को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और लॉ एंड ऑर्डर की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मुझे भी सूचना मिली तो मैं तत्काल मौके पहुंचा, देखा, मजदूरों से वार्ता की गई। उनका सिर्फ ये कहना था कि साहब इनकी कुछ बातें सुन ली जाए, और जिसके परिप्रेक्ष्य में द्वारा कल जो है उनके प्रोजेक्ट मैनेजर को बुलाया गया है 10 बजे, और आगे जो चीज़ें बात होंगी और उनके परिवार को सूचित कर दिया गया है कि इस प्रकार की दुर्घटना उनके साथ हो गई है। और प्रथम दृष्टया जो जांच में अभी तक लग रहा है कि वो सुसाइड है, और ये देखा जाएगा, जांच आगे की जाएगी कि किस कारणों से उनके द्वारा इस प्रकार के कदम उठाए गए।